नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ले रहा हूँ क्लास टेंथ का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और उसके अंदर हम पहले डिस्कस करते हैं एटम। एटम किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट होता है जिसके अंदर उसकी सारी प्रॉपर्टी होती है। एटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं। इन फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे लूजली बाउंड होता है। जब हम इसे थोड़ी एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़कर बाहर आ जाता है और इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाता है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस डेफिशिएंसी को हम पॉजिटिव आयन कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गिव्स पॉजिटिव चार्ज और आयन। इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तो वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और जिस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिवली चार्ज और जिस पर पहुंचता है उसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। दो तरह के चार्ज होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। तीसरा कोई टाइप नहीं होता है। एक एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतने उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स टोटल चार्ज ऑन एन एटम इज ऑलवेज जीरो। ये जनरलाइज कंडीशन है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इन सब का अल्जेब्रिक सम जीरो होगा। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 7 और एटॉमिक मास नंबर है 14, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 7 और इलेक्ट्रॉन्स वो है 7। टोटल इन पर चार्ज जीरो क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने कुतने नेगेटिव चार्ज हैं। टोटल अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेज इज जीरो। चार्ज इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल सी। चार्ज इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इट मीन्स क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ एन ई, वेयर क्यू इज चार्ज, एन इज इंटीजर नंबर, ई इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन
एंड इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड 1.6×10⁻¹⁹ कूलॉम। ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है चार्ज इज नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव फॉर प्रोटॉन्स, लेकिन हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसीलिए E=1.6×10⁻¹⁹ कूलॉम। ये चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, इससे छोटी वैल्यू फिलहाल हम कंसीडर नहीं करते हैं और ज़्यादा डिस्कस हम हायर क्लासेस के अंदर करेंगे। तो चार्ज Q=ME और इसकी यूनिट कूलॉम। इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स अगर कोई वायर, इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, जब हम इन पर फील्ड लगा देते हैं, मतलब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आउटसाइड द सर्किट, जबकि पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है। अगर सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो होती है, अगर सर्किट क्लोज नहीं है, मेन सर्किट ओपन है, तो करंट फ्लो नहीं होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज होगा। तो जहां कहीं भी चार्ज फ्लो करता है करंट प्रोड्यूस होगा अगर सर्किट क्लोज है। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, हालांकि करंट के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है और यूनिट भी है, उसके बावजूद भी ये स्केलर है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करती है जो हम हायर क्लासेस के अंदर रीड करेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो करंट ऐसे मूव करेगी, अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है तो करंट भी ऐसे ही मूव करेगा। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, I=Q/T, करंट इज डेनोटेड बाय I, इट्स यूनिट इज कूलॉम पर सेकेंड और इट इज कॉल्ड एम्पियर।
ampere in the SI unit of charge is ampere and is denoted by capital A. Ampere is denoted by capital A symbol. One ampere. Since we know that electric current I equals to Q by T, here if we take Q equals to 1 coulomb and time T equals to 1 second, then I becomes 1 coulomb by 1 second, which is equivalent to the 1 ampere. Hence, 1 ampere means the current passing through a wire when 1 coulomb charge flows per second. That is, current flowing through the wire is called 1 ampere when 1 coulomb charge flowing per second in the wire. अब क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट. तो इसका सॉल्यूशन देखें. सिंस वी नो दैट आई इक्वल्स टू 2 बाय T, गिवन है हमें I इक्वल्स टू 1 एम्पियर और I इक्वल्स टू 1 एम्पियर कब आया, जब चार्ज हमारे पास था 1 कूलम और टाइम था हमारे पास 1 सेकेंड. सो Q इक्वल्स टू 1 कूलम एंड T इक्वल्स टू 1 सेकेंड. मैंने आपको बताया था Q इक्वल्स टू Ne और हमें यहाँ पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि n है. सो n इक्वल्स टू q बाय e, q की वैल्यू है 1 कूलम, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. कूलम से कूलम कैंसिल. So n equals to 6.25 × 10⁻¹⁸. These are the number of electrons flowing in 1 ampere electric current.